हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता है। आज हम कक्षा 6 से लेकर के 8 तक की जो हिंदी का टॉपिक है प्रोनाउन, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। पिछला जो अपना वीडियो था उसमें अपन ने संज्ञा के बारे में पढ़ा था और संज्ञा के प्रकार के बारे में पढ़ा था। आज अपन ने उसी से रिलेटेड जो टॉपिक है सर्वनाम, उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है कि सर्वनाम, जिसको इंग्लिश में अपन है प्रोनाउन भी कहते हैं, सर्वनाम है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है, सर्व प्लस नाम। सर्व का मतलब होता है सभी, नाम का मतलब होता है नाम वाले सभी सब। ऐसा शब्द जो सभी नाम की जगह पर आए या सभी नाम वाले शब्दों के बदले प्रयोग हो सके क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। एक अपनी साधारण सी जो परिभाषा है जिसको अपन आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के एक सामान्य परिभाषा अपन मैंने लिखी है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। इसके उदाहरण अपन देख सकते हैं, जहाँ जगह, मैं का मतलब मैं खुद सा स्वयं, हम का मतलब बहुत सारे लोग मिल करके, तुम, वे, वह, यह है, ये, किसका, कौन, कैसे, कहाँ, किधर, किसे, स्वयं, खुद, अपने, आप, आदि शब्द जहाँ पर आते हैं, ये सभी शब्द